ठीक है। ताबे मिर्आत सगर गर्द बयाबाने अरब हुस्ने यूसुफ पे कटी साहबजादा अबू हुरैरा ने दूसरा इनाम हासिल कर लिया है आज के इस मुकाबले में और मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने दस्त मुबारक से और मोहतरम जनाब सोहेल शम साहब की जानिब से 50,000 कैश जा रहा है इनके साथ और जैसा कि गवर्नर साहब ने ऐलान फरमाया 40,000 दूसरे के लिए और रऊफ हाजी अब्दुल रऊफ साहब हमारे चेयरमैन एयरवाई क्यूटीवी की जानब से 25,000 कैश है। न्यूट्री फैक्टर की जानब से इनके लिए जो है 30,000 कैश और बहुत से आपके लिए गिफ्ट्स हैं और बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए और एयरवाई क्यूटीवी की। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आज ये जो भी थोड़ी देर पहले मैंने अभी वीडियोस आपको दिखाई है ये मेरा भांजा साहबजादा अबू हुरैरा गुजरात से एआरवाई में सिलेक्ट होके नाज के मुकाबले में ये वहाँ पे गए थे क्यूटीवी में जो रमज़ान ट्रांसमिशन में मुकाबला चला था और फिर माशाल्लाह फ़ाइनल तक पहुँचे उधर और फाइनल में सेकंड पोजीशन जो है ना वो हासिल की। फर्स्ट पोजीशन पे हैदराबाद का एक लड़का था वो आया हसन, आप क्यूटीवी पे भी निकाल कर प्रोग्राम ये देख सकते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन का 28वें रोज़े को आई थिंक फ़ाइनल हुआ था। तो गुजरात जाने से पहले उन्होंने थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया हमारे पास मुल्तान में, कराची से पहले मुल्तान आए क्योंकि लंबा सफ़र हो जाता तो हमारे पास भी थोड़ी देर उन्होंने गुजारे। मैं अब उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हूँ और वो लोग पहुँचने वाले हैं और अब देखते हैं वो पहुँचने वाले उनका इस्तकबाल देखते हैं कैसे करते हैं और थोड़ा सा उनसे नात भी सुनेंगे और ईद भी देखते हैं। ईद थोड़ा सा वो ईद का भी आज क्योंकि दिन है तो ईद भी मनाएंगे उनके साथ। ये बच्चे जो है साहबजादे के इस्तकबाल के लिए सब खड़े हैं फूल लेके साहबजादा अबू हुरैरा। तो ये सीटी मारेगा, देखे सीटी वाला मशहूर बच्चा हमारा ये। ओ वाह मुबारक हो भाई, ईद मुबारक और ईद मुबारक भी और मुकाबले की भी मुबारक। बहुत चलो भाई आ जाओ जी आराम से आओ ना, चलो आ जाओ। इतनी सी आदमी तो कराची से आया बेचारा जीत जान के इसके तो किसी ना दो कोई सलीका है यार का न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका जी। तो अब क्योंकि अपने घर साहबजादा अबू हुरैरा को हमने यहाँ पे मुल्तान में सबसे मिलवाना है, अब हम मेरे मामू और इसके नाना वो लगते हैं उनके घर हम लोग जा रहे हैं और अब उनके घर पे बैठ के थोड़ा सा मिलेंगे क्योंकि आज ईद का दिन है, ईद भी मिलेंगे और इनको भी मिलवाएंगे कि कराची से भी डायरेक्ट इधर हमारे पास आए हैं
तो हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ। घर में बहुत मुबारक, ईद मुबारक, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत मजा आया इसकी सारी वो चीज़ मामू मिला जाए जरा सुन के बड़ा मजा आया। वहाँ तक पहुँच गया हमें फखर हो रहा था। अंदर चलते हैं घर में दाखिल। अजू भाई साहब इतनी बुरी बात करती थी आगे भाई भाई काट देंगे। आओ जी बैठ बैठ। ये हम आ गए हैं मामू के घर पे और साफ सुथरा यहाँ पे थोड़ा सा भी हम स्टे करेंगे, फिर हम मजीद अगले घर पे जाएंगे। और अब सारा दिन साहब के साथ गुजारने के बाद आज हम ब्लॉग अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हम इससे थोड़ा सा साहब वगैरह से पूछेंगे कि इनका जो ARY का सफ़र कैसा रहा और हमारी मुल्तान में इन्होंने हमारे साथ जो ईद गुजारी इस दफ़ा ARY की वजह से वो कैसा टाइम इनका गुजरा तो बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप स्टेशन से हमें रिसीव करने के लिए आए। उसके बाद पूरी फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ, इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया है उन्होंने। माशाल्लाह आपकी दुआओं से ही जो है ये आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह दुआओं में हमें याद रखें। आपकी दुआओं से ही अल्लाह पाक ने मज़ीद कामयाबियाँ देनी हैं। बहुत शुक्रिया आपने इतना अच्छा इस्तकबाल किया इतना। और वो जो आपने ARY में पूरा रमज़ान गुजारा वहाँ पे आपने जो नात के मुकाबले में हिस्सा लिया फाइनल तक आप पहुँचे, वो सारा सफ़र बताएंगे। ARY वालों का आपके साथ मतलब बिहेव कैसा था, कैसे उन्होंने आपको वहाँ पे रखा पूरा रमज़ान, और वो कैसा आपको वहाँ पे टाइम गुजरा उसके बारे में कुछ बताएं। रमज़ान मुबारक माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा गुजरा है उधर। पहला तजर्बा था ज़िंदगी का, फर्स्ट टाइम जो है हम गए थे। बड़ी ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि कभी किसी चैनल पे हम जाएं पढ़ें, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने ये पूरी की हमारी ख्वाहिश। पहली मरतबा जो है ARY पे हमें जाने का मौका मिला। बहुत अच्छा ताबुन था आमिर फ़ियाज़ी साहब जो हैं वो QTV के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उनका भी बहुत अच्छा हमारे साथ ताबुन रहा और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप भी अगर पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें। और आज की वीडियो साहब दादा अबू रहरा की अगर आप सर्च करना चाहते हैं या आपने फर्स्ट टाइम इनको देखा है तो ARYQTV चैनल पे जो रमज़ान में प्रोग्राम चलता रहा लब पे नाते पाक का नगमा जो प्रोग्राम था रमज़ान की ट्रांसमिशन में, उसमें 19 अप्रैल को इनका फाइनल आया था। उसके अलावा भी पूरे रमज़ान में सर वो आप सर्च करके देख सकते हैं ARY पे, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। और अगली वीडियोज़ तक के लिए मैं इजाज़त दी और मेरी वीडियोज़ कहीं देखते रहें, लाइक करें और कमेंट करें। लाजमी अल्लाह हाफिज़।